साथियों, आज देश दशकों पुरानी समस्याओं से समाधान करते हुए 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे युवा देश को जितनी स्पीड से काम करना चाहिए, हम वैसे ही करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब भारत समय नहीं गंवाएगा, अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज देश की महिलाओं में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपना दम खम दिखा सकती हैं, नए कीर्तिमान बना सकती हैं। आज देश के किसान में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो खेती के साथ ही अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर भी काम कर सकता है। आज देश के उद्यमियों में, व्यापारियों में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज के भारत ने, आज के न्यू इंडिया ने अपनी बहुत सी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े थे, करोड़ों लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं था, घरों में टॉयलेट्स नहीं थे। ऐसी अनेक दिक्कतें थी जिनमें देश के लोग और देश उलझा हुआ था। अब ऐसी अनेक परेशानियां दूर हो चुकी है। अब भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। और आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना था कि देश में कभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? कभी नहीं। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 70 साल में पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा और न ही किसी ने जवाब दिया। अब हमने लक्ष्य रखा है, सवालों का भी सामना कर रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे भी हैं। ये भी पहले की सरकारों और हमारी सरकार के बीच काम करने के तरीके का बहुत बड़ा अंतर है। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। साथियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। देश भर में इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर बनाने का फैसला किया है।
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से भी इसे सहयोग मिलेगा। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। साथियों, मेक इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को देश के छोटे से छोटे उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी मदद कर रही है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। 2014 में देश में 1,90,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्माण हुआ था। पिछले साल ये बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सोचिए, 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है।